जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जो दान है वो उस अपराध के समान नहीं थी, पर वो जो दान है वो उससे कहीं कहीं गुना बढ़कर अधिकाई से हुआ। ऐसे लिखता है कि वो यीशु मसीह के द्वारा, वो एक इंसान यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का जो अनुग्रह जो था, आप एक तरफ हम ऐसे देखते हैं कि आदम का जो है पाप था और दूसरी तरफ जो है पाप और मृत्यु, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, वो अनुग्रह इतना बढ़ के था। यहाँ पर अधिका करके जो लिखा है ना, उसके लिए जो ग्रीक में जो शब्द है वो है पेरिसुओ। पेरिसुओ, पेरिसुओ का मतलब है, जैसे मान लो कि एक घड़ा, हम लोग बोलते हैं आजकल भी वो एक कॉमन इडियम है कि इन लोगों के पाप का घड़ा भर गया इसलिए अब इन पे न्याय आएगा। अब एक घड़ा मान लीजिए कि हम एक घड़े में पानी भरते हैं और एक तो है वो घड़ा भर जाता है। पेरिसुओ हम तब बोलते हैं जब उस घड़े में पानी डालते रहते हैं वो उमड़ आता है। मतलब किसी भी एक मात्रा, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कुछ पाप किया है या फिर हमने कुछ, ठीक है, हमने पाप किया है और उसका जो कीमत जो चुकाना है वो है 1000 रुपए। पर पेरिसुओ का मतलब ये नहीं है कि 1000 रुपए चुकाने थे, 1000 रुपए चुका दिए। पेरिसुओ मतलब ओवरफ्लो, एक सीमित मात्रा से कहीं गुना बढ़ के उमड़ आना। मतलब 1000 रुपए भरने थे पर परमेश्वर बहुत बड़े हैं, उनका प्रेम, उनके प्रेम की तो कोई तुलना ही नहीं, इसलिए 1000 रुपए उन्होंने नहीं भरे पर 1000 करोड़ भर दिए।